राउ सांसद के हो सांसद है जाके अथर सब कोई नहीं की जानो मोदी है तो मोदी से तो कोई लोग हुआ के दियाई मोदी जी के दियाई अरे और सांसद है जाके के हो नहीं की जानो ओ सिग्रवाल क्या किए अच्छा कुछ विकास नहीं किया है क्या किए हैं सिग्रवाल आइए दस साल से है हाँ लोटावरी बेच कर सब बेरोजगारी या दुनिया मंगा कर और खत्म कर दिया देश अच्छा कुछ नहीं किया है तो ऐसे मर्चा किलो है 60 रुपए किलो 60 रुपए किलो तो महंगाई घटल है कि बढ़ल है महंगाई अब घटेगा कि बढ़ेगा कोई सब बढ़ाएंगे कोई आगे बढ़ेगा कोई आएगा बढ़ेगा यहाँ के सांसद कौन है यहाँ के सांसद कोई जादव जी है नाम नहीं मालूम आता कोई सांसद विधायक कौन अच्छा सांसद यहाँ जादव जी है नया पर कोनो नहीं के कांग्रेस किराए से मिलत बा लोग के भरम बा गैस कितना के मिलता कितना के पड़त रहा देख रहल जा सब्जी में अभी आइल बने बाजार में मालूम करी के सब्जी का चलता कैसे का महंगाई बा खाली रहू तेल कैसे रहला तेल के मालूम करी तेल के का भाव पेट्रोल डीजल देख काल में मोदी जी बोले थे रोजगार देंगे जितना कितना करोड़ दिए है सब लोग जानता है हम भी एगो बेरोजगार युवा है लेकिन अभी तक कितना रोजगार मिला है सब लोग को नजर में है कोई कहना नहीं है सब लोग देख रहा है पार्टी के नाम बा बड़का झूठा पार्टी हमेशा से मिली हमेशा से यही रही है पार्टी में दूसर कुछ ना मिले अलावा अच्छा इसका नाम है बड़का झूठा पार्टी जी बड़का झूठा पार्टी सबसे बड़का झूठा पार्टी नमस्कार साथियों बात करेंगे चुनावी सरगर्मी की और चुनावी सरगर्मी में आज हम महाराजगंज लोकसभा के एकमा विधानसभा के रसूलपुर बाजार में है आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा चाहूंगा एक बार घुमा के दिखा दीजिए रसूलपुर बाजार का नजारा और यहाँ पे हम खड़े हैं जनता की बात जानने के लिए कि आखिरकार में आज 12 से 15 दिन रह गया है चुनाव में और जनता का क्या मिजाज है किसको जनता चाहती है यहाँ पे महाराजगंज लोकसभा है यहाँ से 2 बार के वर्तमान सांसद और उनको ही भाजपा ने टिकट दिया यानी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहीं कांग्रेस की तरफ से आकाश प्रसाद सिंह आए हुए हैं जो कि दौरा कर रहे हैं उनका हर जगह दौरा लगा है वहीं सिग्रीवाल जी का भी लगा हुआ है बाकी और भी कैंडिडेट है यानी टोटल यहाँ पे 6 कैंडिडेट है और एक आज भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट नहीं है सारा कैंडिडेट पार्टी के ही है इंडिपेंडेंट जितने थे उनका कैंसल हो गया है तो आइए जनता से जानते हैं जनता की क्या राय है जनता किसको चाहती है आइए हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए आई लो सब्जी केकरा के चाची वोट दिया था केकरा के वोट दिया था सारा दुनिया भाजपा के पंजा नहीं पता राउ सांसद के हो सांसद है जाके नहीं जानो मोदी जी के दिया अरे और सांसद है जाके के हो नहीं जानो ओ देखिए ये अपना सांसद को ही नहीं पहचानते हैं कि इनका सांसद कौन है आइए चाचा इधर खड़े हैं चाचा केकरा के वोट दिया था वोट तो देखिए इसे तो बीजेपी के ही बीजेपी के यहाँ के सांसद कौन है सिग्रीवाल नाम का सिग्रीवाल नाम का हूँ सांसद तो वे बेरी खड़ा पड़े नो वे नो खड़ा पड़े तो दूसरे पड़े अच्छा यादव जी वो जादव जी और विधायक कौन श्रीकांत जाता श्रीकांत सांसद राव हम सिग्रीवाल वोट केने दिया था सिग्रीवाल जी के दिया सिग्रीवाल जी के दिया आइए इधर और भी लोग है चाचा किसको वोट दे रहे हैं नोटा पर दे रहे केकरा पे नोटा पर नोटा पर कहाँ है कहाँ नाराजगी सब नाराजगी है भाई मतलब कुछ एक आध को बताइए इस चैनल के माध्यम से ताकि जो भी प्रत्याशी घूम रहे जाने नोटा पे सब नोटा पर अच्छा क्या मतलब कुछ क्या इस बार हुआ क्या है कि नोटा पे दीजिएगा क्या कर सिग्रीवाल क्या किए अच्छा कुछ विकास नहीं किया है क्या किए हैं सिग्रीवाल आइए दस साल से है हाँ लोटावरी बेच कर सब बेरोजगारी या दुनिया मंगा कर और खत्म कर दिया देश अच्छा तो कुछ नहीं किया है तो ऑप्शन है ना कांग्रेस को दे सकते हैं कांग्रेस को तो 70 बार से राजे किया है अच्छा 70 साल राजे किया है तो करके दिखा दिया है क्या किया है इस बार मतलब मुंड है एकदम नोटा का देखिए नोटा वाले हैं नोटा पे दबाने के बाद कर आइए इधर और भी चलते हैं लोग हैं इन लोगों से बात करते हैं जानने का प्रयास करते हैं देखिए चाचा सब्जी बेच रहे हैं कैसे है मरचा चाचा ठीक है बोलिए कैसे मरचा किलो है 60 रुपए किलो 60 रुपए किलो तो महंगाई घटल है कि बढ़ल है महंगाई अब घटेगा कि बढ़ेगा कोई सब बढ़ाएंगे कोई आगे बढ़ेगा कोई आएगा बढ़ेगा अच्छा किसको वोट दे रहे हैं हम अभी 25 तारीख के दिन जाएंगे 24 के रात के 25 के देंगे 25 के
अच्छा क्या मुद्दा क्या है? महंगाई बढ़ा है, घटा है, बेरोजगारी है, क्या है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, देश में बेरोजगारी भरा है। देखिए इनका कहना है कि देश में बेरोजगारी है और बेरोजगारी भरा हुआ है। देखिए एक भाई साहब किसको वोट दे रहे हैं? किसको वोट दे रहे हैं? कमल साहब को। कमल साहब को। अच्छा यहाँ का सांसद कौन है? यहाँ का सांसद कोई यादव जी है, नाम नहीं मालूम आता है कोई सांसद विधायक। अच्छा सांसद यहाँ यादव जी है। सिग्रीवाल जी है। अच्छा देखिए यहाँ का सांसद सिग्रीवाल जी, इनका कहना है यहाँ पे बड़ा सब्जी का बाजार। चाचा किसको वोट दे रहे हैं? किसको वोट दे रहे हैं? वोट देने का समय हम बताएंगे, अभी क्या बोल सकते हैं। क्या मुद्दा क्या है चुनाव का इस बार महाराजगंज में? चुनाव का मुद्दा क्या है? हम लोग बीजेपी के वोट देंगे। बीजेपी का वोट। मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, धर्म है। धर्म है, महंगाई है। हाँ इसको लेकर हम लोग वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट दीजिएगा। यहाँ का सांसद कौन है? सिग्रीवाल। सिग्रीवाल जी। सिग्रीवाल जी विकास वकास किए हैं? बहुत किए हैं, किए हैं 10 साल में। इस बार उन्हीं को आप लोग जिता रहे हैं। आइए और भी लोग हैं, लोगों से बात करते हैं। देखिए झाड़ू वाड़ू खरीद ले, केकरा का वोट दे रहे हैं? आप बीजेपी के। बीजेपी के सांसद कौन है यहाँ के? सिग्रीवाल। सिग्रीवाल जी है। सिग्रीवाल जी माने काम हम किए हैं और पहले भी काम किए हैं। देखिए यहाँ पे इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि सिग्रीवाल जी जो है काम किए हैं और उन्हीं के पक्ष में इनका मतदान होगा। और ये मेन हाईवे है जो सटा हुआ है, जो आपको साफ तौर से दिखा दे। आइए इधर भी लोग हैं, इन लोगों से हम जानते हैं, जानने का प्रयास करते। चाचा केकरा का वोट दे रहे हैं? हम वोट कहाँ भी देते हैं, अभी तो पैसा की नहीं। तो केकरा का दीजिएगा 25 के? बोली केकरा का दिया? हम थोड़ा बोलेंगे, आप बोलिए। नहीं जब राशन नामे कट गए, राशन मिलते नहीं तो हम केकरा का चीन। अच्छा राशन क्या मिला? मोदी जी कहते ना कि हर महीना 5 किलो राशन मिलता। ठीक बाबू चले रहे, झूठ मत बोले। मोदी जी अला बने? ना 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 रहूंगा बताए के बात। हम तो देखिए चाचा कर, आइए आइए नौजवान भाई, ये क्या कर रहे भाई साहब? खाली राशन से काम चल रही है। राशन करो नया नहीं क्या मिला? पहली बात कांग्रेस की राज रहा तब से मिला था राशन। चीनी भी उस टाइम मिलता था, सब कुछ मिला, तेल मिलता, सब कुछ मिला था, दाल मिलता है। नया पर लोग के भरम फैला दे बा, इतना मिला था ही मिला 80 करोड़ लोगो को, वे भरम फैला दे भाई 80 करोड़। देखी काला में कहला में अंतर होला, कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर। ठीक बा, अब खाली हवा फैलावल बा के 5 किलो मिला था फ्री के, शुरू से मिला था कोरोना नया नहीं मिला। मोदी जी इतना कहले बानी अभी कि अरे काका सुन तली बात हम बताओ। नया पर कोनो नहीं मिला, कांग्रेस के राज से मिला था, लोग का भरम बा। गैस कितना के मिला था, कितना का पड़ता रहा देख रहा जा। सब्जी में अभी आई बनी बाजार में, मालूम करी के सब्जी का चला था, कैसे चला था, कैसे का महंगाई बा। खाली रहू तेल कैसे रहा, तेल के मालूम करी, तेल के का भाव, पेट्रोल डीजल देख ली। कहा तरनी है की करू तेल, वे करू तेल। अभी कहा तरनी है सरकार आए से पहले की पेट्रोल मिली है से, अभी कैसे बा? 2000 कितना साल हो गए है, आज 10 साल के वादा हुआ के कितना पूरा कर ले बनी? सब लोग देखा था, सब लोग जा रहा था। साल में मोदी जी बोले थे आप युवा है, साल में मोदी जी बोले थे रोजगार देंगे 2 करोड़, जितना कितना करोड़ दिए हैं सब लोग जानता है। हम भी एगो बेरोजगार युवा है, लेकिन अभी तक कितना रोजगार मिला है सब लोग को नजर में है, कोई कहना नहीं है, सब लोग देख रहा है। इस बार जवाब मिलेगा, एकदम मिलेगा जवाब। मैंने केने केने जवाब मिलेगा एकदम, देखिएगा आप सब, पूरी जनता जाग चुकी है, ये कोई नया नहीं है, पूरी जनता जाग चुकी है, देगा इस बार जवाब, पूरी जनता जवाब देगा, अच्छा सा जवाब देगा इस बार। अच्छा मोदी जी आने से पहले कहे थे कि साल में 2 करोड़ रोजगार, 5 लाख खाते में, ये सब चीज कहे थे, सब चीज मिला? आप एगो इंटरव्यू देख लो, हम थोड़े दिन पहले अमित शाह से सवाल एगो नेशनल मीडिया पर कल गए, तो हमें सीधा सीधा खुलम खुलम बात भैल, सीधा सीधा बोलने की सब अफवाह जुमला बात अफवाह बात। तो सब लोग खाली बीजेपी पार्टी के नाम बा, बड़का झूठा पार्टी, हमेशा से मिली, हमेशा से यही रही है पार्टी में, दूसर कुछ ना मिलेगा अलावा। अच्छा इसका नाम है बड़का झूठा पार्टी? जी बड़का झूठा पार्टी, सबसे बड़का झूठा पार्टी एक में यही बात, सबसे दूसरे के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। देखिए ये युवा है किस तरह से इनके अंदर आक्रोश है और साफ तौर पे कह रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? खैर छोड़िए नाम, अच्छा चलिए नाम नहीं बता रहे, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से सरकार सत्ता में आई थी तो आने से पहले वादे की थी और वादा वो पूरा हुआ नहीं। साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 15 लाख खाते में वादा था, बेरोजगारी था, महंगाई पे कंट्रोल था, चीनी सस्ता का बात था, पेट्रोल डीजल सस्ता का बात, तो सब चीज हुआ नहीं। युवा है, युवाओं का ये आक्रोश है, किधर वोट दे रहे हैं? किधर वोट दे रहे हैं? आने तो तब तो वोट ना, तब फिर भी मैंने माहौल क्या है, मुद्दा क्या है चुनाव का? वही है क्या, महंगाई, बेरोजगारी,
महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी, क्या मुद्दा है चाचा? क्या मुद्दा रहेगा, सब मुद्दा तो करता है ना भाई, भाजपा का तो वोट देना ही है, भाजपा के दीजिएगा, महंगाई माने कतना बढ़ जाए, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाए, भाजपा के दीजिएगा। देखिए महंगाई कतना बढ़ जाए लेकिन ये वोट जो है भाजपा को ही देंगे। तो साफ तौर पे अलग अलग व्यू, अलग अलग बातें सभी ने अपनी रखे। और यहाँ महाराजगंज लोकसभा का एकमा विधानसभा के रसूलपुर बाजार है और यहाँ पे साफ तौर से लोगों का आना है। चाची केकरा के वोट देता नहीं, जेकरा का मोन, कांग्रेस की भाजपा केहू कहने आ जाए, रोड आ जाए तो केहू का मन दिया जाए। ओ देखिए इनका कहना है किसी को भी वोट दिया जा सकता है। खैर चले, कमेंट करके आप अपनी राय रखिए, आप अपनी बात रखिए, आपका क्या कहना है। हम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको एकमा विधानसभा के रसूलपुर बाजार और महाराजगंज लोकसभा से दिखा रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, यहाँ से कौन जीत रहा है, इंडिया या फिर एनडीए। जय हिंद।